जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट डिजीज़। आज जो हमारे डिजीज़ है, एक के वो इम्पोर्टेंट से टॉपिक्स हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं वोमिटिंग्स। वोमिटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके मैनेजमेंट हम किस तरह इसकी वोमिटिंग को रोक सकते हैं, इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। इसके लिए वोमिटिंग के अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम टेबलेट देते हैं मेफोमाइड, जो कि 1 TDS हम टेबलेट देते हैं, या सिरप देते हैं, या इंजेक्शन लगा के ठीक है हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टेबलेट या सिरप में मोटेलियम जो कि बहुत आ जाते हैं 10 mg हम दे देते हैं, या सिरप या टेबलेट देते हैं, या ऑनसेट देते हैं जो कि 8 mg के हैं ठीक है 1D में, या ग्रेविनेट देते हैं 50 mg ठीक है 50S ठीक है। तो ये देख के हम इसकी वोमिटिंग को रोक सकते हैं, हम इसकी वोमिटिंग की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हैं वो है अरेटोसिस्टेरिया ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लेसन स्टार्ट होता है विथ इन द मिनट में ठीक है, सेवियर जो कि 12 hours तक के लिए हो जाते हैं, ऑनसेट बाइट जो कि इंसेक्ट की बाइट की वजह से जो कि ये होता है, अरेटोसिस्टेरिया जो कि ये कास होता है। जिस भी मैनेजमेंट की हम बात करें ठीक है, टैबलेट हम इसको देते हैं क्रोरो फेंटामीन देते हैं ठीक है, जो कि 4 mg ब्रेडी के ठीक है, एक और टैबलेट स्टार्शियंस 4 mg ठीक है, जो कि सेकेंड नाम है, पॉलमैक्स देते हैं सिरप, या टैबलेट 1 tablet देते हैं स्टार्ट में जो कि रिपीटेड करते हैं उसी टैबलेट को 12 hours के लिए यूरिटिक एरिया के लिए ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर ब्रीथिंग में कोई इशू आ रहे हैं, ब्रीथिंग का कोई मसला है, तो हम इसको क्या देंगे, ब्रीथिंग के लिए हम इसको देते हैं ब्रीथिंग डेवलपमेंट के लिए इंजेक्शन देते हैं एडेनलिन जो कि 1 mg ठीक है दे देते हैं ठीक है, या हाइड्रोकोर्टिसोन दे देते हैं ठीक है 100 mg ठीक है, या सोफेटीन से टेबलेट देते हैं ठीक है एट नाइट को, फिर हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम एसाइटस की अगर हम बात करें और इसकी मैनेजमेंट की, हम इसकी किस तरह ट्रीट कर सकते हैं एसाइटस डिजीज़ की, तो एसाइटस वाले पेशेंट उसकी डिजीज़ की हम इस तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसमें ठीक है, जो कि साल्ट वाटर रिस्ट्रिक्शन करके जो कि बेड रेस्ट दे के ठीक है हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें 120 इनटेक्स ठीक है H2O ठीक है इनटेक करके लेस देन 12 डेज तक ठीक है हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एल्डेक्टोन ठीक है, एल्डेक्टोन देते हैं टैबलेट जो कि 100 mg के ठीक है, वो दे के हम इसकी क्या कर सकते हैं एसाइटस की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ठीक है। मोस्टली इंजेक्शन देते हैं लेक्सिस देते हैं जो कि 40 mg के 1/2 दे देते हैं, या मोफेस देते हैं ठीक है 40 mg के मोफेस दे देते हैं, नहीं है तो इंजेक्शन राइजेक देते हैं, दे के हम इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। इफ स्टिल नॉट रिकवर, अगर एसाइटस फिर भी इसकी रिकवरी ना हो, तो थेरेपेटिक लेप विथ रेगुलर मॉनिटरिंग जो कि थेरेपेटिक लेप की तरह वो करते हैं, जो कि मोनिटर करता है ठीक है हमारी ब्लड प्रेशर को, GNF हार्मोन्स को ठीक है, जिसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं ठीक है, और थेरेपेटिक से टैबलेट देते हैं जिसमें एमिनोग्लोबिन हैं जो कि एल्ब्यूमिन से रिप्लेसमेंट करते हैं, डिफेक्टिव एरेक्स जो कि लीवर ट्रांसप्लांट लास्ट जो है लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इस तरह हम एसाइटस की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम जो नेक्स्ट डिजीज है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिक हो गया तो ठीक है हम इसे किस तरह वो करते हैं। फर्स्ट हम इसके सिम्टम की बात करें, जिसमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटे हो गया तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटी हो गया तो इसमें सिम्टम रेडनेस आते हैं इन बोथ आइस में ठीक है, और इसमें क्या होता है ईचिंग होता है, बर्निंग ऑफ बोथ आइस ठीक है सराउंडिंग टिश्यू के दोनों उसमें एरियस में ठीक है, H2 डिस्चार्ज होता है सनलाइट फोटोग्राफी की वजह से ठीक है। मैनेजमेंट की हम बात करें, इसको केटोड आई देते हैं ठीक है, ड्रॉप देते हैं केटोड आई ड्रॉप देते हैं ठीक है, और फे आई ड्रॉप देते हैं या ML आई ड्रॉप ठीक है दे देते हैं, केट देते हैं 10 days के लिए, TDS देते हैं ठीक है 10 days के लिए, VD 10 days के लिए हम दे देते हैं, तो फिर हेलो आई ड्रॉप देते हैं या फ्रेश आई ड्रॉप ठीक है, आई ड्रॉप कैन भी साइकिल ड्रॉप, ये हम चलते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो। ये सारे थे डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।